हे गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप को इंसर्ट करना सीखेंगे और एडिट भी करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? आपने न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन में आपने देखा होगा, पहला वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है स्टार्टिंग का, तो वही होता है ड्रॉप कैप, उसके अंदर इंसर्टेड होता है। अब इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ड्रॉप कैप इंसर्ट करना है, और उसके बाद आना है आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन में। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप 3 से 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन नन का भी है और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि आपको ड्रॉप कैप के बहुत सारे ऑप्शंस भी देता है। तो बेसिकली अभी 2 जो ऑप्शन हैं उन पे अगर हम अपना एरो लेके जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरीके का हमारा ड्रॉप कैप इंसर्टेड होगा। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को भी इंसर्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन सिंपली क्लिक कर देना है और वो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंज हो या फिर हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जो ड्रॉप कैप है वो एडिट होना ज़रूरी है, थोड़ा और इसमें एडिट हमें करना है कुछ, तो यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आप जाइए। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, फिर लाइन आप कितनी चाहते हैं ड्रॉप कैप में, और फिर डिस्टेंस टेक्स्ट से जो ओरिजिनल टेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे ये वाला टेक्स्ट है इसको हम साइड कर देते हैं। ये जो लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट वर्ड है वो ये वाले टेक्स्ट के लिए है। ड्रॉप कैप का जो वर्ड है उसको हटा के बाकी का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के लिए कि कितने इसका और इस ड्रॉप कैप के बीच का आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3 से हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4। यहाँ पर हमने लिख दिया 4 और यहाँ पर हम डिस्टेंस कुछ डाल देते हैं, 0.5 डाल देते हैं, और फॉन्ट हम अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट हैं चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 लाइंस जो हैं वो हमारी ड्रॉप कैप में हो गई हैं इंसर्टेड, और हमारे ड्रॉप कैप और इस टेक्स्ट के बीच में जो है वो 0.5 इंच का फासला है, तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर आप इसको एडिट दोबारा करना चाहते हैं तो उसी टेक्स्ट पर आपको दोबारा क्लिक करना है जिसमें आपने ड्रॉप कैप इंसर्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो वीडियो है, हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, अब हमारा ड्रॉप कैप जो है वो इनेबल हो जाएगा और हम यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हम चेंज कर सकते हैं, या फिर ये वाला ले सकते हैं, या फिर सिंपली ये वाला ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस ड्रॉप कैप को ही हटा दें तो हम नन पे जाके क्लिक कर देंगे सिंपली, और ये ड्रॉप कैप जो है वो हट जाएगा। तो आज की पोस्ट यही थी गाइस, ड्रॉप कैप को इंसर्ट करना, हटाना और उसको एडिट करना, और भी बहुत सारे अगर इसमें ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन था जो छूट गया था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कराई जाएगी।